देश की धड़कन रेडियो जी2 का ये प्रसारण आपके लिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हम कर रहे हैं। याद आते अभी से लेकर रात 12 तक यह सिलसिला हम और आपका चलता रहेगा। दृष्टिकोण में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। दृष्टिकोण के तुरंत बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इधर कहते हैं कि गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में पर हम रोए नहीं, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किसके लिए या किसी के लिए सोए नहीं। याद रखें गीत संगीत का तकाजा आपके लिए, रात 12 तक आपको हम सोने नहीं देंगे। महकती रातें हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात 7 से लेकर 12 के बीच रेडियो फ्री 2 देश की धड़कन पर रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार, फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं रोहित देव। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज सुबह नुसोरी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के 5 महीने बाद यह नरेंद्र मोदी की फिजी के लिए पहला ट्रिप है। फिजी मिलिट्री फोर्सेस की गार्ड ऑफ ऑनर ने उसका सत्कार किया। FMF बैंड ने इंडिया की नेशनल एंथम बजाया जब वे गार्ड ऑफ ऑनर को इंस्पेक्ट कर रहे थे। मोदी की इस दौरे को लाइव इंडिया की दूरदर्शन टीवी पर भी दिखाया गया। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के नेता को किंग्स रोड पर कई सौ के संख्या में फिजियंस ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। फिजी और भारत ने आज 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर किया है। इन समझौतों में लाइन ऑफ क्रेडिट, डिप्लोमेट्स के लिए एरियाज ऑफ एक्सचेंज और ट्रेनिंग तथा ट्रांसफर फॉर एलोकेटेड लैंड टू हाई कमीशन ऑफ इंडिया शामिल है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमारामा का कहना है कि दोनों देशों ने भविष्य के लिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा फाउंडेशन तय किया है। फिलहाल इंडियन मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि दोनों देशों के बीच पहले के मिलान में रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। फिजियन प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमारामा को नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट में ओपोजिशन की अनुपस्थिति के कारण माफी मांगनी पड़ी। सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी ने कल पुष्टि की थी कि वे आज इस स्पेशल सीटिंग को बॉयकॉट करेंगे। सोरेल्पा चाहते थे कि ईतो के चीफ्स भी ट्रेडिशनल वेलकमिंग सेरेमनी का हिस्सा रहे। बैनिमारामा ने बताया कि इलेक्शन के बाद सरकार को सब ही भलाई के लिए काम करना चाहिए। सोरेल्पा का दावा है कि सरकार ने जानबूझकर मोदी की स्टेट विजिट के दौरे के लिए तैयारियों से अलग रखा और इस कारण ओपोजिशन ने आज के सीटिंग को बॉयकॉट किया। और खेलकूद में डिजिटल फिजी के सीईओ डेरन मैकलिन ने पुष्टि की है कि उन्होंने कल वोडाफोन फिजी 7 स्क्वाड की एक रिप्रेजेंटेटिव को $20,000 का चेक दिया था। मैकलिन का कहना है कि यह पैसे उन प्लेयर्स के लिए है जिन्होंने गोल्ड कोस्ट 7 समय खेला था और न कि फिजी रग्बी यूनियन के लिए। मैकलिन ने यह भी तय किया है कि रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं आम करेंगे जिन्होंने इस पेमेंट को स्वीकार किया था। फिलहाल फिजी रग्बी यूनियन ने आज सुबह एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्हें कोई पेमेंट नहीं दिया गया है। वोडाफोन ने भी डिजिसेल द्वारा जारी किया गया स्टेटमेंट पर चिंता व्यक्त की है और FRU से इस बात पर स्पष्टीकरण की मांग की है, जबकि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। छाया है नशा मेरे आंखों पर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। रह जाए ना प्यासा मेरा प्यार, मेरे बाहों में भर दे मेरा यार। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। हाय मिर्ची एफएम पर, मैं हूँ जितेंद्र शांडिल। शामिल हो जाएगा हमारे साथ टू नाइट शो में Monday to Friday from 7 p.m. to 12 a.m. Mirchi FM, it's all.